जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा के। दोस्तों आज एक काली का प्रचंड प्रयोग दे रहा हूँ, और जो तपस्वी साधक हैं, यानी कि बहुत तगड़ा तप करने वाले, 2-3 घंटे वाले, अपन लगातार जिनका कंटिन्यू चल रहा है साधना, ये केवल उन्हीं के लिए है। बाकी जो जल्दी भय खाने वाले हैं, कमज़ोर साधक हैं, उनके लिए ये नहीं है और पूर्ण प्रयोग है, ठीक है ना। इसे वही करें जो एक तरह से अच्छी तरह इस विद्या के इसमें उतरे हुए हैं, या फिर कंटिन्यू चल रही है साधना जिनकी, और पहले जो इसकी जो शुभारम्भ इसका होगा, ओम गम गणपते सिद्धि विनायकाय नमः, ओम गम गणपते सिद्धि विनायकाय नमः। आपको एक माला इनकी करनी होगी पहले, ठीक है, और उसके बाद शंकर जी की ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम इस मंत्र की। और जो मूल मंत्र है वो मैं पहले बता देता हूँ ताकि आपको लास्ट तक इंतजार न करना पड़े, लेकिन साधना का विधान और सारी चीजें पहले समझ लेना तभी करना। ओम क्रीम 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 महाकाल के भीषण अट्टहासनी सर्व शत्रु नाशनी स्वाहा, ये मंत्र है इसका। और दोस्तों मंत्र में ये शब्द जो अट्टहासनी भी सर्व शत्रु नाशनी भीषण जो समझ जाना, इससे उग्र मंत्र है, ठीक है। तो जो अच्छे करने वाले साधक हैं, आत्मबल अच्छा रखते हैं, अगर उनको ये मंत्र अजमाना भी हो तो ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा, केवल 9 दिन इसको मंत्र को करना होगा। माता काली का उनको चेतक महसूस हो जाएगा, लेकिन जो भयग्रस्त होने वाले हैं, जल्दी आत्मबल जिनका कमज़ोर है, उनको ये करना नहीं है, और जिनको गुरु मंत्र नहीं है उनको ये करना नहीं है, गुरु बल प्राप्त नहीं है उनको भी नहीं करना है, या किसी इष्ट देवता का बल प्राप्त नहीं है उनको भी नहीं करना है। इस मंत्र की जो मैंने दिया है काली वाला, इस मंत्र की कम से कम 7 माला रोज होंगी, किसी भी अष्टमी नवमी या अमावस्या से ये शुरू हो जाएगा। अष्टमी नवमी होंगी वो कृष्ण पक्ष की होंगी, और या फिर आप अमावस्या को शुरू आरंभ कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो प्रसाद है माता रानी का, वो 3 जायफल रोज लगेंगे भेंट, ठीक है, 7 दिन तक या फिर 9 दिन तक। साधना का मैं क्रम भी बता दूं, 7 दिन 9 दिन 11 दिन 18 दिन 27 दिन, ये क्रम है साधना का, इतने दिन ले सकते हो आप। माला वही रहेंगी जो मैंने आपको बताई, माला कम नहीं होगी, और प्रसाद में आप जो काले वाले रसगुल्ले आते हैं वो लगा सकते हैं, और मलाई चाप लगा सकते हैं, पहले दिन ही लगानी है आपको मलाई चाप लगा सकते हैं, या फिर जो चॉकलेटी कलर की कत्थे रंग की बर्फ़ी आती है वो लगा सकते हैं आप। ये 3 प्रसाद आप लगा सकते हैं इसमें, सौम्य सेवा बता रहा हूँ मैं आपको, प्रसादी सौम्य है और सेवा उग्र है। और जो आपको साधना का मैंने जी बताया आपको, जी आप रात्रिकालीन करेंगे तो इसका प्रभाव या चेतक बहुत जल्दी आपको दिखेगा, तेज़ी से दिखेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी समझ लें आप अच्छी तरह, रात्रिकालीन करेंगे तो तेज वो दिखेगा इसका। और गणेश जी की जो शंकर जी की, तो एक एक माला ही आपको करनी होगी, उसमें कम मत करना, कम से कम एक एक माला लेना। यदि गुरुदेव ने आपको कोई मंत्र देखा है तो गुरु माला जरूर एक और कर लेना, बाकी जो इसका क्या नाम है उसका दिशा है जो उसकी, वो पूरब रहेगी,
और आसन है जो आप रक्त वर्ण का यानी लाल ले सकते हैं या श्याम वर्ण का काला ले सकते हैं, ठीक है, या फिर भूरे कलर का भी ले सकते हैं, मगर गुलाबी हल्का और क्या नाम है, गुलाबी नहीं ले सकते आप, पीला नहीं ले सकते आप, सफ़ेद नहीं ले सकते आप, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। गुरु जी से अपने आज्ञा लेकर के, जो भी आपके गुरु हैं उनको दक्षिणा दे करके तब साधना शुरू करें तो उसमें ज़्यादा उसका दिखा जाएगा, क्योंकि गुरु भार होता है हर साधना का, गुरु भार अवश्य उतारना चाहिए। और गुरु भार किसी का भी हो सकता है, जो भी आपके गुरु हैं, ये नहीं है कि मैं दे रहा हूँ तो मेरा होगा, आपके जो गुरु हैं उनका गुरु भार होता है। वैसे तो साधना देने वाला का भी भार होता है लेकिन गुरु भार ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको करनी होगी, क्या क्योंकि आपको मालूम है देवता का भार, देवता का मंत्र ये ज़रूर होता है। मेरी कई चीज़ें आपको पहली बार सुनने में आती होंगी, लेकिन वो 1001% आप अनुभव करेंगे तो कसौटी पे खड़ी उतरती हैं। मैंने आपको YouTube पे जैसे पहले बताया था, अब वो 2 साल से वो चीज़ें लोगों को समझ में आ गई एकदम अच्छी तरह से। मैंने कहा था हर साधना की एक पलट आती है, लौट आती है, पीछे से एक बैकअप आता है, तो वो आता है 1.25 महीने का, 1.75 महीने का, 1.25 साल का या तत्काल 7 दिन का। और उग्र साधना है तो उसकी पलट केवल गुरु तगड़े होंगे तभी रुकेगी, है ना। सौम्य साधना है तो वो कोई भी संभाल लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये होती ज़रूर है। ये अब साधकों को मालूम पड़ने लग गया है, जब उनको 1.25 महीने या 7 दिन में जब दिक्कत हो जाती है साधना करने की, अच्छी वाली साधना करने के बाद भी, तो वो कहते हैं ये क्या कि, क्योंकि ध्यान रखिए आप हवा के विपरीत खड़े हुए हैं, आप एक आंधी आ रही है, आंधी के विपरीत अगर खड़े होंगे ना, तो जब वो आंधी एकदम झटके से रुक जाएगी कहीं हवा, वो उसी समय तो आप एकदम आगे की तरफ गिरेंगे, क्योंकि आप उसको रोकने के लिए प्रचंड ताकत से खड़े हुए थे सामने। जब वो रुकेगी ना एकदम से, आप गाड़ी चल रही हो तेज, आप समझ लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं तेज, गाड़ी एकदम से ब्रेक लगा दीजिए आप गाड़ी में, जबकि आपने आगे गिरने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन ब्रेक लगते ही आप आगे की तरफ गिर जाएंगे उछल करके तुरंत गाड़ी पे से। अगर आपने तेज चलती गाड़ी में एकदम ब्रेक लगा दिया तो आप भी आगे की तरफ गिर जाएंगे। इसी तरह ये पलट होती है, चलते चलते ये अचानक एक झटका लगता है आपको और ये आपकी चैतन्यता को भंग कर देता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं। अब साधना जो कर्ज मैंने बताइए माता काली की, करने के बाद आपको ये साधना समर्पित करनी है माता को, ठीक है ना। माता को समर्पित किया, हे माँ मैं किसी लोभ लालच के वशीभूत ये साधना नहीं कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई क्लिष्ट अभिप्राय नहीं है, यानी कि बहुत मतलब जटिल वो मतलब कामना नहीं है, और आप जो मुझे उचित लगे मुझे आप दे सकती हैं, देना चाहें तो, अगर वो भी नहीं दें तो मेरे पुण्य उसमें आप जमा करना चाहते खाते में तो वो जमा कर लें, मुझे कोई मतलब इसमें मुझे संशय नहीं है। कई जगह आपत्ति नहीं बोला जाता दोस्तों, मुझे कोई आपत्ति नहीं है नहीं बोला जाता, आपत्ति आप करने वाले होते भी कौन है, आपत्ति वो करता है जो थोड़ी सी अपने मन में वो रखता है दम पावर। आप तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग केवल प्रार्थना कर सकते हैं, आपत्ति नहीं कर सकते। तो जी हर एक बड़ी साधना, हर एक अनुष्ठान, हर एक क्रिया आदमी का भविष्य बनाने से पहले, जीवन बनाने से पहले उसकी एक कठिन परीक्षा लेती है, जो बहुत दूरगामी परीक्षा होती है, कई कई बार साल तक सालों तक चलती है परीक्षा, तब जाके वो व्यक्ति सफल होता है। और अगर प्रारब्ध कर्म का कोई सुखद बहुत अच्छा कर्म आड़े आ जाता है तो वो तुरंत सफल हो जाती है, लेकिन प्रारब्ध कर्म में कोई गलती होती है तो उसको संभालने में आपको कई सालों भी लग सकते हैं, अच्छी चीज़ें होने के बावजूद सालों लग सकते हैं, और इसका अनुभव मैं कराता हूँ। कई लोग अचानक साधना करते रहते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक एक कोई छोटी सी चीज़ कर लेते हैं उसी से उनको एकदम से सब चीज़ों के दर्शन सुलभ हो जाते हैं, तो वो चीज़ है जिस चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है ना मित्रों। चलिए आप करिए, जय माता रानी की, जय माँ भवानी, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की। बहुत सुंदर साधना है, लेकिन बहुत सावधानी से करना, गुरु की आज्ञा लेकर के करना, गुरु मार्गदर्शन में करना और सारे पूर्ण सुरक्षा विधान के साथ करना। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।